हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ओपी वीडियो लेके। तो आप सब लोग जानते हैं कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आने वाला है इंडिया में। तो गाइस, प्री रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो आ चुकी है, 18 मई को आप लोग सब लोग लाइव रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड गाइस, साथ ही अगर हम लोग बात करें इसी गेम के बारे में कि क्या चीजें होने वाली हैं, गेम कैसा रहेगा, आउटफिट एंड स्किन सीजन जो रहेगा, एंड क्या हम लोग खेल सकते हैं, मतलब जो फॉरेन के प्लेयर हैं, बहुत से लोगों के कांटेक्ट रहता है फॉरेन में, या जो लोग कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, कुछ लोग के लाइनअप में भी फॉरेन के बंदे हैं। तो गाइज, आप लोग कोरियन के बंदे जो है, चाइना के हैं या अदर कंट्रीज के बंदे हैं, उन लोग के साथ खेल सकते हैं कि नहीं। बेसिकली जैसे जहाँ पे ग्लोबल चलता है या कोरियन चलता है, तो उन वाले प्लेयर के साथ आप लोग खेल सकते हैं कि नहीं। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो ग्लोबल सर्वर है हम लोग का, जो हम लोग खेल रहे हैं इस टाइम पे पबजी मोबाइल ग्लोबल जो है, उसका सर्वर भी डाउन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पिंग इशूज आ रही हैं। जो वीपीएन काम करते थे फ्री वाले, वो नहीं काम कर रहे हैं इस टाइम, केवल पेड वीपीएन जो हैं उन्हीं से पबजी बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड जो पिंग है वो 40 या 20 आ रही है, वरना और जो आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई पिंग आ रही है, जैसे 1.1.1 करके एक जो वीपीएन था, और भी बहुत से वीपीएन हैं, तो उन सबसे नहीं चल रहा है। iOS की बात करें चाहे एंड्रॉयड की बात करें, iOS में तो ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, बट एंड्रॉयड का अभी कहीं कहीं पे बहुत मतलब चल रहा है, किसी किसी नेटवर्क पे, और किसी किसी पे भी बंद हो रहा, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा पिंगिस हो रही। तो गाइस, बात करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्री रजिस्ट्रेशन की, तो हाँ गाइस, आ चुका है 18 मई को आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, मतलब आप लोग अपना कर सकते हैं। एंड गाइस, कहा जा रहा है कि जो आप प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें आप लोग को रिवार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि आउटफिट मिल सकती है, कोई गन की स्किन मिल सकती है, उसी यूसी मिल सकती है, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं आपको। मतलब इन तीन चार चीज़ों में से बीपी कॉइन्स हैं एंड सिल्वर फ्रैगमेंट्स, ये सब जो है वो सब मिल सकती है। एंड अगर गाइज हम लोग बात करते हैं गेम की, तो गाइज बस जो नेम है गेम का वो चेंज किया गया है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया किया गया है उसको, और जो गेम है इन गेम है वो सब वैसा ही रहने वाला है, सारी गन्स जो हैं, सारे जो मैप्स हैं वो सब वैसा ही रहने वाला है। एंड गाइस, बात करें आप लोग के जो अकाउंट है, तो आप लोग का जो ग्लोबल वाला अकाउंट है वो आप लोग को मिलने वाला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अकाउंट नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने लाखों, बहुत लोगों ने तो भाई करोड़ों यूसी लगा दिया होगा, मतलब बहुत ही पैसा, हर कोई भी क्रेट आती थी वो लोग ओपन करते थे। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, आप लोग स्काउट लोग को जानते होंगे कि M4 ग्लेशियर के लिए स्काउट ने कितना पैसा खर्चा किया, और भी बहुत लोग हैं, और फोर किंग हो गुरु जो है वो तो भाई रोज ही क्रेट ओपनिंग करते हैं, वो सब लोग 30-40 हज़ार यूसी की। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा उन लोग ने अंधा पैसा खर्चा किया है, अगर उन लोग को ये सब वापस नहीं मिलता तो बहुत ही ज़्यादा उन लोग को डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मतलब भाई पैसा इतना गया, ये सब चीज़ था। तो वो चीज़ें हैं, अर्निंग भी हुई इससे, लेकिन भाई एक अपनी चीज़ जब जाती है तो अपना अकाउंट वो लोग तो दुख तो होता है सबको, और बहुत से बंदे हैं, आप लोग भी रॉयल पास ये सब लेते होंगे, तो वो चीज़ें हैं, आप लोग की भी स्किन्स होंगी। तो आप सबका जो अकाउंट है वो आने वाला है, आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में देखने को मिलेगा। जितनी आपकी स्किन्स हैं, गन्स की, गाड़ी की, आउटफिट हैं, नेड ग्रेनेड और मॉली वाली, सबकी स्किन आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। जैसा अकाउंट आपका ग्लोबल वाला था वो आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में लॉगिन करेंगे, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। एंड गाइस, अगर बात करें हम लोग क्या हम लोग खेल सकते हैं फॉरेन जो प्लेयर हैं, जैसे जो ग्लोबल से खेलते हैं, जो चाइनीज हैं एंड जो कोरियन खेलते हैं पबजी मोबाइल का, तो हाँ आप लोग स्टार्टिंग में भले नहीं खेल सकते हैं, बट गाइस कुछ टाइम के बाद आप लोग खेल सकेंगे सारे लोगों के साथ, क्योंकि गाइस अभी तो इंडिया के लिए लॉन्च हो रहा है, बट ये जो गेम है पबजी मोबाइल जो है, तो गाइस ये पूरा मतलब इंटायर हर जगह फैला हुआ है। अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं तो गाइस सारी टीम जो आती है, हर कंट्री की टीम आती है, उन लोगों को खेलना रहता है। तो जो पबजी मोबाइल चाइनीज वाला खेलते हैं वो भी आते हैं खेलते हैं, एंड जो लोग कोरियन खेलते हैं वो लोग भी आते हैं खेलते हैं। हम लोग ग्लोबल खेलते थे, हम लोग भी आते थे खेलते थे। तो गाइज इसी तरह आगे ये भी हो जाएगा, आप लोग खेल सकेंगे सब लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड गाइज जो सर्वर डाउन हो रहा उसकी बात करें, तो गाइज मैं एक iOS यूजर हूँ, तो गाइज बहुत मैं देख रहा था, अभी तो बहुत ही अच्छा पिंग आता था मेरा, 40-40 आ जाता था कभी कभी, या 60-80
के ऐसे आसपास तो हमेशा रहता था, पिंग मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से आप लोग खेल सकते थे। और मैं 1.1.1 वाला जो VPN है वो यूज करता था, बट गाइस कुछ टाइम से वो VPN नहीं चल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया का एरर बताता है। एंड गाइस साथ ही और मैंने VPN ट्राई करे, उतनी अच्छी पिंग नहीं आती, किसी 250-300 से नीचे पिंग नहीं आती है। एक दो VPN और है 100 पिंग आती, लेकिन वो 100 पिंग में 100 वाला चीज नहीं रहता गाइस, बहुत ही ज्यादा लैग वैग करता, मतलब आप जा रहे होते हो आगे फिर आ जाते हो पीछे। तो गाइस जो सर्वर है वो बेसिकली हटाया भी जा रहा है, क्योंकि अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लाना है, अगर इसका हटाएंगे तो बहुत बंदे हैं क्या यही खेलते रहेंगे कि चलो ग्लोबल है ये इसी पे खेलते रहे भाई, वो लोग अपना यल हटाएंगे तभी तो उनकी नई चीज चलेगी। तो इसलिए जो सर्वर है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और 18 तक तो मतलब रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेंगे, बट अगर जिस दिन आ जाएगा कि कब आएगा गेम, कब आएगा प्ले स्टोर या iOS में, तो उस दिन तो बेसिकली उससे कुछ दिन पहले ही पूरा ही हट जाएगा, आप लोग बिल्कुल ही कोई भी नेटवर्क या कोई भी आप VPN से नहीं चला पाएंगे, एक्सेस नहीं मिलेगा आपको ये चीजें। एंड गाइस बात करते हैं हम लोग कि गेम जो है इसके जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है वो सब कैसा रहेगा। तो देखो गाइस जो इंडिया का कॉम्पिटिटिव सिनेरियो रहेगा तो वो तो मतलब इंडिया वाले खेलेंगे अगर जो इंडिया में होते हैं। एंड गाइस अगर जो वर्ल्ड लेवल पे होगा आप सब लोग जाएंगे, क्राफ्टन सब कुछ मैनेज करेगा, क्राफ्टन पूरा हर चीज अपना मतलब सोच के रखा है कि अभी लॉन्च करना है, फिर जब बंदे खेलना शुरू करेंगे कॉम्पिटिटिव में आएंगे और सब स्टार्ट ही हो जाएगा, T1 T2 T3 सब चलने लगेंगे अब फिर से, तो गाइस आप लोग खेल सकेंगे किसी भी टूर्नामेंट में, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस यही रहा आज की वीडियो, आप लोग को कैसे लगे वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या नीचे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो गाइस जय हिंद जय भारत, और इंडिया का बैटल ग्राउंड आ रहा है, हम लोग बहुत ही एक्साइट हैं, और साथ ही हम लोग सब लोग खेलेंगे, स्ट्रीम भी करेंगे हम लोग। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद जय भारत।